हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। हिंदी सिनेमा को ऊपर ले जाते बॉलीवुड स्टार से सीधे ग्लोबल स्टार के रूप में हमारे सामने उभरते हुए शाहरुख खान की फिल्म जवान ने आज शानदार तरीके से 8 दिन कंप्लीट करके 9वें दिन में रॉयल एंट्री मान ली है और जबरदस्त आगे बढ़ रही है। हर दिन शुरुआत से ही जो तबाही मचाते नजर आ रही मूवी काबिले तारीफ है। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल डे 8 में कैसा क्या रहा था मूवी का, आज डे 9 की ग्रोथ कैसी चल रही है मूवी की, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है मूवी और फर्स्ट वीक एंड ऑफ द वीक में कितनी कमाई करी है और अभी तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड से जवान तोड़ चुकी है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। और अगर आप भी जवान मूवी से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब और SRK की फिल्में देखना पसंद करते हैं तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे डायरेक्शन की। तो यस, तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट डायरेक्टर अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे में मूवी को जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। डायरेक्शन की सुपर अमेजिंग है, बाय गॉड मैं फिर कह रहा हूँ, अटली ना होता तो शायद जवान ऐसी ना बन पाती, क्योंकि मास मसाला एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं पर जवान जैसी मास मसाला मूवी हमने नहीं देखी थी। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे और डायरेक्शन बाय अटली कुमार सुपर फैंटास्टिक, फिर कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त काम किया है। साउथ का डायरेक्टर है, साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वही मजेदार भी लगा। मूवी को आज पैन इंडिया रिलीज करा गया है, मूवी ने पहले ही दिन धमाका काट रखा है आज अपने 9वें दिन तक। दोस्तों जवान का कंटेंट सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा एक्शनल क्राइम थ्रिलर है, मूवी का बेहतरीन स्टार कास्ट से सजाया गया है जिसमें मेन लीड पर आपको द किंग खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे और एक नहीं कई अवतार में। जी हां दोस्तों, SRK के मल्टीपल रोल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें माय फेवरेट वो बियर्ड ओल्ड लुक वाला जो बेल्ट से मारता है और जिसका डायलॉग भी है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। एक ही मूवी में यंग भी, मिडिल एज, मैच्योर, SRK, ओल्ड SRK, नेगेटिव SRK, पॉजिटिव SRK, सारे के सारे SRK एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ सेकंड लीड में भरपूर साथ देते हुए मोस्ट ब्यूटीफुल नयनतारा ने जबरदस्त काम किया है, साथ ही सानिया मल्होत्रा और दीपिका पादुकोण का कैमियो है, प्रियमणि और सुनील ग्रोवर ने भी सबुनी घास में अच्छा काम किया है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को पहले ही दिन 10,500 स्क्रीन पर रिलीज कराया गया था तो मूवी में हमें मास मसाला एंटरटेनमेंट जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं पहले दिन से क्या धूम मचाई है मूवी ने आज 9वें दिन तक। तो फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया हिंदी से 65.5 करोड़ और नेट इंडियन कलेक्शन से पहले दिन 74.5 करोड़ और पूरी दुनिया से किया था 130 करोड़ के आसपास। दूसरे दिन नेट कलेक्शन 55 करोड़ का रहा, ग्रॉस 70 करोड़ का रहा और पूरी दुनिया से 107 करोड़ का कलेक्शन रहा। इसी के साथ तीसरे दिन में हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस किया, अभी तक की हाईएस्ट कलेक्शन है जवान की डे 3 में पूरी दुनिया से। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हिंदी से 68 करोड़ के आंकड़े को टच किया और पहले 3 दिन में ही 200 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था सिर्फ हिंदी से और पूरी दुनिया से सिंगल डे में 144 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया था और पहले 3 दिन में ही पूरी दुनिया से 385 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था मूवी ने और गदर 2 के फर्स्ट वीक कलेक्शन को अपने 3 ही दिनों में बीट डाउन कर दिया था। साथ में पठान, KGF 2, चेन्नई एक्सप्रेस, दंगल, वॉर, ब्रह्मास्त्र सभी के कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ चुकी थी फास्टेस्ट 3 ही दिनों में ग्रोइंग के मामले में और ह्यूज कलेक्शन के मामले में इन हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी। बात करें डे 4 यानी फर्स्ट संडे में कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही, सारे रिकॉर्ड फाड़ दिए। फर्स्ट संडे में लगभग 71 करोड़ की कमाई सिर्फ हिंदी से करी और सिंगल डे में आज तक किसी भी मूवी ने सिर्फ हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं करी थी लेकिन जवान 1 पर आ चुकी है, हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस दिया और हिस्ट्री क्रिएट करा। इसी के साथ पूरी दुनिया से संडे पर डे 4 में 135 करोड़ की कमाई करी थी और पहले 4 दिन में ही पूरी दुनिया से 520 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था और फास्टेस्ट पहले 4 दिन में ही हिंदी सिनेमा की 1 मूवी बनी जिसने 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी पूरी दुनिया से। इसी के साथ डे 5 में हिंदी से 30.5 करोड़ और नेट कलेक्शन टोटल 33 करोड़ कर लिया था और साथ में ग्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ और पूरी दुनिया से डे 5 में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 55 करोड़ का किया था। साथ में डे 6 में सिर्फ हिंदी से 24 करोड़ का कलेक्शन किया था और पहले 6 दिनों में ही 306 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था सिर्फ हिंदी से और 1 मूवी अगेन बनी जो हिंदी से 6 दिन के अंदर ही 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी बॉलीवुड सिनेमा की। इसी के साथ 21 करोड़ का कलेक्शन डे 6 में किया था पूरी दुनिया से और पहले 6 दिन में ही
पहले तो नेट कलेक्शन पहले 6 दिन का बताऊंगा, 345 करोड़ हो चुका था, ग्रॉस कलेक्शन 415 करोड़ का हो चुका था और पूरी दुनिया से पहले 6 दिन में ही 615 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था या टच कर लिया था। इसी के साथ डे 7 यानी फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते हिंदी से आया 21.5 करोड़ और पहले 7 दिन में ही फर्स्ट वीक कंप्लीट करा है सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ के आंकड़े को टच करके। इसी के साथ फर्स्ट वीक का नेट इंडियन कलेक्शन रहा है 368 करोड़, राउंड फिगर में 369 करोड़ हम मान सकते हैं क्योंकि पॉइंट में समथिंग था। इसी के साथ पूरी दुनिया से फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते मूवी ने 660 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था अपने फर्स्ट वीक में, जो कि एक ह्यूज कलेक्शन है और इतना किसी की लाइफ टाइम कलेक्शन होती है, जिस जबकि मूवी ने सिर्फ पहले हफ्ते में ही 660 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रख लिया। अभी तो 3 हफ्ते और चलनी है मूवी, ये मूवी लगभग 30 दिन चलेगी ही चलेगी गारंटी। इसी के साथ बात करें कल्याणी डे 8 में कैसी रही ग्रोथ, तो सिर्फ हिंदी से 18 करोड़ लेकर आई मूवी दोबारा से और तीनों लैंग्वेज को मिलाकर नेट कलेक्शन 20 करोड़ का रहा है 8वें दिन में। तो सिर्फ हिंदी से पहले 8 दिन में मूवी 345 करोड़ के कलेक्शन कर चुकी थी और पहले 8 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन 388 करोड़ का हो चुका था और पूरी दुनिया से पहले 8 दिन में मूवी 690 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। बात करें आज यानी 9वें दिन में कैसी ग्रोथ है, थोड़ा स्लो ग्रोथ है। जी हाँ दोस्तों, फुल डे ओवरऑल 20-22% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट तक सम ऑफ द प्लेस में सर्वाइव कर रही है हाउसफुल शोज के साथ और आज एडवांस से 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया है और एंड ऑफ द डे तक मूवी 15 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन करते नजर आ रही है और पहले 9 दिन में ही आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी, फास्टेस्ट 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी सिर्फ नेट इंडियन कलेक्शन से। और पूरी दुनिया से आज भी एंड ऑफ द डे तक 9वें दिन में 725 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी मूवी। भाई साहब बहुत ह्यूज कलेक्शन है, 725 करोड़ यहाँ नहीं होता है, बाय गॉड किसी भी मूवी के लिए बॉलीवुड की 2-3 मूवी का कलेक्शन होता है ये 725 करोड़ और मूवी ने सिर्फ 9 दिन में ही आज एंड ऑफ द डे तक 725 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी। ये मिनिमम अजम्पशन है क्योंकि मैक्सिमम अभी आया नहीं है, कल डे 8 की फुल ऑफिशियल रिपोर्ट आई नहीं है, तो मे बी मैं मान के चल रहा हूँ 730 करोड़ भी टच कर जाएगी या क्रॉस कर जाएगी आज एंड ऑफ द डे तक, जब कल ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तब। इसी के साथ मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और ओवरसीज में कई जगह हाउसफुल बैनर के साथ लगातार ग्रोथ कर रही है और आज 9वें दिन में ही गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को पीछे कर देगी मूवी। जी हाँ दोस्तों, एंड ऑफ द डे तक और साथ में जवान बहुत ही कम समय में 4 दिन में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी और 9 दिन में 700 करोड़ के क्रॉस तो कर ही जाएगी आज। तो जवान आने वाले संडे तक क्या 1000 करोड़ कंप्लीट कर पाएगी, थोड़ा सा वो आंकड़ा स्लो देखने को मिल रहा है, तो मे बी बहुत कम चांसेस हैं कि 1000 करोड़ टच कर जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मूवी 850 करोड़ या 900 करोड़ तो कमा ही ले जाएगी सेकेंड संडे के ख़त्म होते होते। आप लोगों की क्या राय है, कितना कमा ले जाएगी संडे तक, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना और आप लोग ये भी बता के जाना कि अब लाइफ टाइम कलेक्शन मूवी कितना कर सकती है, क्योंकि मैं हर दिन हर डे के जितनी भी कमाई कर रही है मूवी उसकी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ, कैसे ग्रो कर रही है, कैसे स्लो डाउन हो रही है, कौन से दिन में कब ज़्यादा कमाई कर रही है, कौन से दिन में कब स्लो डाउन हो रही है, तो इसका एस्टिमेट लगा के आप लोगों को क्या लगता है कि मूवी 1500 करोड़ को टच कर पाएगी नहीं कर पाएगी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।